फर्स्ट प्यूनी जज के कोर्ट में मेंशन किया था और हमने यही चाहा था कि ये याचिका की सुनवाई होनी चाहिए तो उन्होंने हमारी बहस सुनी और कहा कि कल साढ़े दस बजे आप आना हम आपको निर्णय सुना देंगे इसका मतलब आज साढ़े दस बजे हमें उस कोर्ट में जाना था तो कल शाम को लगभग साढ़े छः सात बजे हमें पता चला कि पांच जजेस की बैठक तय हो गई है और हमारी जो याचिका है वो पांच जजेस के आगे सुनी जाएगी किस आधार पे ऑर्डर पास हुआ किसने पास किया इसकी हमें जानकारी नहीं थी क्योंकि कोई जुडिशल ऑर्डर तो था नहीं तो आज सुबह जब हम कोर्ट में गए तो हमने सात सवाल कोर्ट के सामने रखे वो अंग्रेज़ी में है तो मैं पढ़ दूँगा Perla, under Article 145.3 of the Constitution, if it appears to the Supreme Court that a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution arises in any, in any case, then the minimum number of judges required to adjudicate on that issue is prescribed under the Constitution to be five. Matlab ke, अगर आर्टिकल 145 फोर्टी फाइव तीन के अंतर्गत कोर्ट ये कोर्ट को ये मुनासिब लगे कि कानून की परिभाषा संविधान से जुड़ी हुई है और संविधान की परिभाषा को कोर्ट इंटरप्रेट करेगा तो फिर वो सुनवाई पांच जजेस के आगे जाएगी ये हुआ नहीं था क्योंकि ये कोर्ट के सामने मामला आया ही नहीं ये तो आज सुबह आया तो पांच जजेस को तो पहले ही रेफर हो गया दूसरा रेफरेंस टू फाइव जजेस कैन ओनली बी मेड बाय ज्यूडिशल ऑर्डर द रूल्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डू नॉट अलाउ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू पास एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर टू रिफर अ मैटर टू फाइव टू फाइव जजेस ऑन द ग्राउंड दैट अ सबस्टैशियल क्वेश्चन ऑफ़ लॉ एज टू द इंटरप्रटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द केस Three, in the present case, there is no judicial order formulating the substantial question of law involving the interpretation of the Constitution, which is required to be adjudicated upon by a Constitution bench. Four, it is assumed, since the petitioners are not privy to any such order, that the concerned authority took the decision that the issues raised in the petition are required to be adjudicated upon. By five distinguished judges after due application of mind on the issues raised in the petition. The petitioners are entitled to know the authority who, on the administrative side, passed an order to refer this matter to five distinguished judges. Five, if the authority happens to be the Chief Justice of India, against whom a motion of removal on the basis of certain articles of charge was filed and dismissed by the chairman in exercise of powers under section 31b of the judges inquiry act 1968 then the petitioners are entitled to be informed of the order and content that a copy of the order be furnished to the petitioners before any proceedings take place 6 if that order has been passed by the chief justice of india constituting the bench then the petitioners seek to challenge the order on such grounds as the petitioners may deem fit. And last, it would be inappropriate for the petitioners to seek any indulgence of this court on the merits of the case till such time as such, an, such opportunity is afforded to the petitioners. <laughs> किसने वो फैसला किया है कि ये याचिका पांच जजेस को जाएगी ये हमें बताया जाए अगर कोर्ट ने किया होता तो कोर्ट की वेबसाइट पे आ जाता है क्योंकि कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय नहीं था तो हमने मांग की कि हमें बताया जाए किसने ये ऑर्डर पास किया है अगर चीफ जस्टिस साहब ने पास किया है तो वो ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए अगर किसी और ने पास किया है तो उस ऑर्डर की कॉपी हमें दी जाए लेकिन हमारा संविधानिक हक है कि हमें पता लगना चाहिए कि किसने ऐसा ऑर्डर पास किया है और अगर ऐसी ऐसे ऑर्डर की कॉपी हमें मिल जाती है तो निश्चित रूप से हम उस पर गौर विचार करके यह तय करेंगे कि उसको हम चैलेंज करेंगे या नहीं और जब तक वो ऑर्डर नहीं मिला मिलता तो हम बहस कैसे करें ये बातें हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी उन्होंने इस पे कोई फैसला नहीं किया हमने मांग की उन्होंने ये नहीं बताया कि हमें ऑर्डर देंगे ये भी नहीं कहा हम नहीं देंगे उन्होंने कहा कि आप आप मेरिट्स पे बहस कीजिए तो हमने कहा कि मेरिट्स पे तभी बहस हो सकेगी जब हमें इस ऑर्डर की कॉपी मिलेगी क्योंकि संविधान के अंतर्गत कोई ऐसा ऑर्डर हो नहीं सकता जिसको हम चैलेंज न कर पाए अगर प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो तो उसका ऑर्डर चैलेंज होता है वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन से ऑर्डर चैलेंज हो सकता है प्रधानमंत्री या कैबिनेट का ऑर्डर हो तो उसको चैलेंज हो सकता है प्रशासन का कोई ऑर्डर हिंदुस्तान में किसी भी प्रशासन का हो तो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है अगर किसी ने कोई किसी के खिलाफ गलत काम किया हो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है अगर पक्की की पब्लिक अथॉरिटी ने कोई भी ऑर्डर पास किया हो वो ऑर्डर चैलेंज हो सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्डर है हिंदुस्तान में वो नहीं चैलेंज हो सकता और अगर कोई ऐसा ऑर्डर है तो हमें बताया जाए अगर आप कहते हैं कि भाई अगर ये ऑर्डर जिसकी वजह से याचिका को पांच जजेस के सामने पेश किया गया वो ऑर्डर अगर नहीं चैलेंज हो सकता तो वो भी हमें बता दें ताकि हम कहें कि हिंदुस्तान में कोई एक ऐसा ऑर्डर है जो कभी चैलेंज नहीं हो सकता ये मुद्दा सामने आया और क्योंकि क्योंकि उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि ऑर्डर देंगे या नहीं देंगे तो हमने सोचा कि जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से हम इसको इस पर कैसे बहस कर सकते हैं पटिशन पे तो इसलिए हमने विड्रॉ कर लिया और ये मामला हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और बड़ी संजीदगी के साथ रखना चाहता हूँ हमें किसी के खिलाफ किसी जज के खिलाफ खास तौर में सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश के, के खिलाफ कोई पर्सनल शिकायत नहीं है कांग्रेस पार्टी की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि कोई पर्सनल शिकायत किसी के पास किसी के खिलाफ हो हम केवल इतना चाहते हैं कि देखिए दो बातें स्पष्ट है एक तो कोर्ट की जो कोर्ट की जो आ, 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 समझ लीजिए जो Uh, उस, उसकी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी इंडिपेंडेंस को कांग्रेस पार्टी प्रोटेक्ट करना चाहती है हम किसी के खिलाफ कोई पर्सनल नहीं है दूसरी बात हम ये भी चाहते हैं कि को, कोर्ट की प्रणाली uh, स्वच्छ हो जुडिशल प्रोसेसेस बिल्कुल स्वच्छ हो वी वांट टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट वी वांट टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ द कोर्ट

हम पे आरोप सरकार लगा रही है कि हम किसी के खिलाफ हैं जो भी मुद्दे हमने याचिका में और नोटिस ऑफ मोशन में रखे हैं चेयरमैन के सामने जो उन्होंने खारिज कर दिए वो किसी पॉलिटिक्स के साथ जुड़े नहीं हैं कोर्ट में क्या हुआ उसके साथ जुड़े हुए हैं क्या एफिडेविट किसी ने दिया उसके साथ जुड़े हुए हैं क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके साथ जुड़े हों इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है कोई एक मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें कोई पॉलिटिक्स हो तो ये कोई सरकार के सरकार जो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है कि इसमें कोई पॉलिटिकल मामला है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कौन सा पॉलिटिकल मामला है जिस पे आप बात कर रहे हो हम तो चाहते हैं कि अगर खुद न्यायाधीश ने कहा है कि मामला ठीक नहीं है खुद कुछ लोगों ने ऐसी बातें की हैं जिससे शंका पैदा होती है हमने नहीं की वो उन लोगों ने की है जो कोर्ट में अपने मामले एक तरफिया कराना चाहते थे हमने नहीं कोई ऐसी बात की कोई ऐसा कोई ऐसी हमारी स्टेटमेंट इस याचिका में नहीं है जिसको कोई कह भी सके कि वो राजनीति से जुड़ी हुई है कोई ऐसा आरोप लगा ही नहीं सकता मैं मैं चैलेंज करता हूं सब मामले हैं वो कोर्ट के मामले हैं कौन केस कहां जाता है कैसे जाता है क्यों केस किसी बेंच में जाते हैं ये हमारा मामला नहीं है ठीक है ना और कैसे कोई कोर्ट फैसला करे और बेंच चेंज हो जाता है वो हमारा मामला नहीं है